आज की इस कक्षा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रीति काल की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक परिस्थितियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। परिस्थितियों का अर्थ होता है स्थिति कि क्या स्थिति होती है। इस वीडियो के अंदर हम सबको डिस्कस करने वाले हैं, हमें क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना वो भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप सेकेंड ईयर में हो गए, आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ तो मालूम हो गया होगा। जैसा आप थंबनेल पे देख सकते हो, इस हिसाब से क्वेश्चन, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस एक टॉपिक से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ इसकी जो रीतिकाल की जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में। यहाँ से इससे पहले हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे कि वहाँ पे आदिकाल की आपको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे कलात्मक की जगह वहाँ पे आपको सांस्कृतिक परिस्थितियाँ देखने को मिलते हैं। जो सांस्कृतिक और एक सांस्कृतिक और कलात्मक एक दूसरे से लिंक टाइप से ही है थोड़े थोड़े, क्योंकि संस्कृति दिखानी होती है, जैसे कला हो गया, यहाँ पे कलात्मक परिस्थितियाँ हैं। वहाँ पर आदिकाल में हमने राजनीतिक के साथ ऐतिहासिक भी परिस्थितियाँ पढ़ी थी, बट यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, तो इसकी भूमिका को देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रीतिकाल का समय विक्रमी संवत 1700 से लेकर 1900 तक स्वीकार किया गया है। वैसे विक्रमी संवत भारतेंदु युग में भी 1950 तक रीतिकाव्य की रचना की गई, किंतु इस काल में रीतिकालीन श्रृंगार परंपरा की प्रधानता न होकर नवीन काव्य चेतना की प्रधानता थी। इस कारण हम इसका जो विक्रमी संवत 1900 से 1950 को रीति श्रृंगार का उपसंहार काल कह सकते हैं, यानी कि जैसे विक्रमी संवत की रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 तक बताई गई है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमें बताया था। यहाँ पर जो 1900 से लेके 1950 का जो काल है इसको श्रृंगार का उपसंहार काल कह सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ श्रृंगार क्या होता है। श्रृंगार के अंदर एक रस है, संयोग और वियोग का वर्णन किया जाता है। इस श्रृंगार के ऊपर इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर जिसके हमने पढ़ा था रीतिबद्ध और रीति सिद्ध रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ, उस वाली वीडियो को देखना, जो रीतिबद्ध की जो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ हैं उसको देखने के बाद ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ जो हिंदी की हमारी जो यूनिट हैं ये एक दूसरे से लिंक होती हैं, एक टॉपिक दूसरे से, दूसरा टॉपिक तीसरे से, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो ज़रूर देखना, रीतिबद्ध और रीतिशीत और रीतिमुक्त उनसे भी क्वेश्चन आता है, वो पढ़ोगे, वो समझने के बाद ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अब चलते हैं। रीतिकालीन साहित्य मुख्य तौर से श्रृंगार प्रधान साहित्य होने के कारण तत्कालीन राजा और नवाबों और सामंतों की वासनाओं को तृप्त करता है। इसका मुख्य कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ थी जो इस प्रकार हैं। अब इसकी परिस्थितियाँ देख लेते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से यह काल घोर निराशा एवं पतन का काल था। यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से जो भी परिस्थितियाँ थी, यहाँ की परिस्थितियाँ राजनीति की तरफ से अच्छी नहीं थी। इसके अंदर जो मुगल साम्राज्य ने अपना जो विकास चरम शिखर पर पहुँच चुका था। मुगल सम्राट शाहजहाँ धार्मिक दृष्टि से उदार तथा साहित्य, कला व संस्कृति का प्रेमी था। ताजमहल उसके कला का प्रेमी होने का परिचायक है। जैसे कि शाहजहाँ ने उस समय ताजमहल बनाया था, वो भी अपनी प्रेमिका की याद में बनाया था। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का जो सुडोल आसन, जो मजबूत शासन था, वो डगमगाता सा प्रतीत हुआ तथा उत्तराधिकार के लिए गृह युद्ध में दारा की हत्या करके औरंगजेब ने अपना जो शासन था वो स्थापित कर लिया था।
इस युग में केंद्र सरकार कमजोर होने से अनेक प्रदेशों में शासकों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, परंतु इन राजाओं तथा सामंतों की शक्ति कुंठित हो गई क्योंकि ये सुरासुंदरी के चक्कर में पड़ गए थे। कुंठित यानी कि मूर्ख होता है कुंठित का अर्थ। अब सुरासुंदरी के चक्कर में पड़ गए जो रीति काल पूरा भोग विलास के जो काल है वो है। सामाजिक परिस्थितियाँ, यहाँ पे जो राजा यथा राजा तथा प्रथा की उक्ति इस काल पर लागू होती है। यह युग विलास प्रधान युग कहा जा सकता है। राजा और सामंतों की तरह अमीर लोगों में भी सुरासुंदरी के प्रति चाह बढ़ गई थी। समाज की जो प्रवृत्तियाँ थी वो अच्छी नहीं थी, भोग विलास के अंदर डोल रहे थे। यहाँ पे लोग, जनता अशिक्षित हो गई थी। यहाँ पे बाल विवाह जैसी, सती प्रथा जैसी बहुत ही जो रूढ़िवादी जो कुरीतियाँ थी बढ़ रही थी। जनता में नागरिकता का पूर्ण अभाव था। मनोबल की कमी के कारण समाज बौद्धिक स्तर भी बहुत ही निम्न हो गया। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जो सब कुछ भोग विलास में डूबे हुए थे, स्त्री की स्थिति यहाँ पे बद से भी बदतर नहीं थी, बुरी और होती गई। यहाँ पे श्रृंगार का नगन चित्रण होने लगा। अब आप समझ सकते हो जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप समझ सकते हो यहाँ से भोग विलास की स्त्री के साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार सा किया गया इस काल के अंदर। आगे चलते हैं, धार्मिक परिस्थितियों के अंदर रीतिकाल संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से पतन का युग था। धर्म मात्र रूढ़ियों अंधविश्वासों, धर्म में भी वही जो पुरानी यहाँ पे परंपराएं थी, बाल विवाह जैसी और सती प्रथा आ गई, अंधविश्वास हो गए, लोग जादू टोना करने लग गए। वैष्णव धर्म भी अनेक शाखाओं में बढ़ चुका था। राधा कृष्ण के नाम पर विलासिता नंगा नाच रही थी। निर्गुण संत परंपरा विविध रूप धारण कर चुकी थी। कवि और नानक के आदर्श लुप्त हो गए थे। औरंगजेब की कट्टरता के कारण हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए थे। यहाँ पे सामान्य जनता अशिक्षित होने के कारण अंधविश्वासों का शिकार हो गए थे। ये थी धार्मिक परिस्थितियाँ। आगे चलते हैं साहित्यिक परिस्थितियाँ। मुगल दरबार की जो भाषा थी, साहित्य की भाषा, यहाँ पर फारसी भाषा थी। इस काल में भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया। जैसा जैसे मैंने बताया ना आपको, रीति काल के अंदर तो क्या ही प्रेम से रिलेटेड और पता नहीं बहुत सारा खराब माहौल था यहाँ पे। इस काल में साहित्य अपने उच्च आदर्श से गिर गया था। कला और साहित्य केवल मनोरंजन, जो कला थी वो भी खाली मनोरंजन का साधन बनकर रह गई। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल हास का काल है, यानी कि हानि का काल है। और फिर भी भूषण जैसे मान कवियों ने कुछ वीर रस प्रधान भी काव्य लिखे हैं रीति काल के अंदर। वीर रस कलात्मक परिस्थितियाँ क्या हैं? रीतिकालीन कला क्षेत्र में प्रदर्शन की प्रधानता रही। इसमें मौलिकता की कमी थी और सामंत युग की वासनात्मक अधिकता है। स्वामी सुखाई ने नायिकाओं के बाजारू चित्र बनते रहे। राज के ठाट बाट के चित्र में दमक को अधिक स्थान दिया। आप समझ सकती हो, इससे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे कला भी खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे हम इसका ऑप्शन हार देख लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन, अंग्रेजों का भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश, सुरासुंदरी का उपयोग तथा श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल की प्रमुख परिस्थितियाँ थीं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह काल हास का रहा। धार्मिक संप्रदाय भोग विलास और वासना के अंदर स्वर में गूंजता दिखाई देता था। ये इसका निष्कर्ष है। हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे पहले इसकी हमें भूमिका डालनी है। भूमिका डालने के बाद हमें पांचों जो परिस्थितियां हैं इनके पॉइंट डालने हैं। और जो मैंने आपको लाइन बताई है, इस अंदर पैरे बना के लिख सकते हैं, छोटे छोटे दो दो लाइन, तीन तीन चार लाइन के ऐसे करके लिख देना, और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख के इसको ख़त्म कर देना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट ज़रूर करना प्यारा सा। आपके कमेंट से वीडियो जो बनाने के लिए मोटिवेट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाऊँ।